25 दिन बाद भारत में कोरोना के 3 लाख से कम केसेस दर्ज किए गए। एक दिन में 2,81,000 के करीब केसेस दर्ज किए गए, लेकिन मरने वालों का आंकड़ा अभी भी चिंताजनक स्थिति में बना हुआ है। एक दिन में 4,100 लोगों ने कोरोना की वजह से दम तोड़ दिया, लेकिन दिक्कतें सिर्फ यहां तक नहीं है। कोरोना से जो लोग ठीक हो रहे हैं उन्हें इस दूसरी लहर में रिकवर होने के दौरान कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई मरीजों को हृदय के रोग हो रहे हैं जो कि कार्डियक अरेस्ट या फिर हार्ट अटैक की वजह बन रहे हैं। हेल्थ एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि कोरोना के इलाज के दौरान कई दवाएं दी जा रही हैं जो खून के थक्के भी बना सकती हैं, लेकिन आपको सावधानी बरतने की जरूरत है क्योंकि रिकवरी के दौरान सावधानी रखी जाए तो मरीज की जान को कोई खतरा नहीं है। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ श्रेया बहुगुणा और आप देख रहे हैं नमस्कार। दरअसल देश में जो इस वक्त कोरोना की दूसरी लहर चल रही है उसको लेकर अलग अलग तरह की स्टडीज हुई है। स्टडी के मुताबिक जिन लोगों को पहले से हार्ट डिजीज या फिर डायबिटीज है उनमें से 15-20% को ही समस्याएं बढ़ रही हैं। इनमें से 5% को हार्ट अटैक का खतरा है, पर सबसे ज्यादा नुकसान युवाओं को हो रहा है जिन्हें पहले हार्ट से जुड़ी कोई बीमारी नहीं रही या उन्हें लक्षणों के अभाव में इसकी जानकारी हुई ही नहीं। इसलिए जब आप कोरोना से रिकवर हो रहे हैं उसके बाद आपको क्या कुछ करना चाहिए, इसे लेकर देश के वरिष्ठ कार्डियोलॉजिस्ट क्या कहते हैं, आइए आपको बताते हैं इस वीडियो में। लेकिन कोरोना और हार्ट में यानी कि दिल में क्या संबंध है, क्योंकि इससे पहले तो आपने हर बार यही सुना है कि कोरोना एक रेस्पिरेटरी वायरस है यानी कि ये आपके फेफड़ों पर सबसे ज्यादा असर डालता है। तो फिर दिल को कोरोना क्यों असर डाल रहा है, तो इसका जवाब भी आपको इन्हीं सवाल और जवाबों में मिलेगा। क्या कोरोना से रिकवर होने के बाद भी लोग हार्ट डिजीज का सामना कर रहे हैं? तो जवाब है हाँ। कोरोना की जानलेवा दूसरी लहर युवाओं को सबसे ज्यादा प्रभावित कर रही है और ऐसे कई मामले सामने आ रहे हैं जहां मरीजों को हार्ट डिजीज की कोई हिस्ट्री पहले नहीं थी लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें हार्ट अटैक आया है। युवा जो कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं और जिनके फेफड़े ज्यादा प्रभावित हैं, ऐसे मामलों में पल्मोनरी एडिमा यानी फेफड़ों में ज्यादा फ्लूड होने से ये मामले सामने आ रहे हैं। इस वजह से सांस लेने में दिक्कतें होती हैं और फेफड़े यानी कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन काम करना बंद कर देते हैं। इसी तरह एक्यूट मायोकार्डिटिस होने का खतरा बढ़ जाता है जो कि हार्ट मसल में होने वाली एक सूजन है। इस केस में मरीज के जिंदा रहने की संभावना काफी कम हो जाती है। साथ ही जिन लोगों को पहले से हार्ट डिजीज है उनमें कोरोना से रिकवर होने के बाद दिल में सूजन और खून के थक्के जमा होने की समस्याएं बढ़ जाती हैं। इसी तरह से दूसरा सवाल है कि क्या सीने में दर्द कोरोना से जुड़े हार्ट डिजीज का एक लक्षण है? तो इसका जवाब है हाँ। दरअसल कोरोना से जूझ रहे मरीजों के सीने में दर्द एक आम शिकायत बनी हुई है। जिन्हें माइल्ड या बहुत ही हल्के लक्षण हैं वो भी सीने में दर्द की शिकायत कर रहे हैं। दरअसल ये समझना होगा कि कोरोना इन्फेक्शन अलग अलग लोगों को अलग अलग तरह से होता है। कोरोना के लक्षणों को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, माइल्ड, मॉडरेट और गंभीर। माइल्ड जहां पर इन्फेक्शन बहुत कम होता है, जहां आपको अस्पताल जाने की जरूरत नहीं होती। मॉडरेट जहां आपको अस्पताल जाने की जरूरत तो नहीं होती लेकिन आपको अपने लक्षणों को देखना होता है। और तीसरा गंभीर इन्फेक्शन जहां आपको हॉस्पिटल जाने की जरूरत होती है और डॉक्टरों की देखभाल के अंतर्गत ही आपको अपना इलाज कराना होता है। दरअसल कोरोना इन्फेक्शन की वजह से फेफड़ों में सूजन हो सकती है जिसका असर हार्ट पर भी यानी कि दिल पर भी पड़ता है। जो लोग पहले से किसी ना किसी हार्ट डिजीज से जूझ रहे हैं उन्हें सतर्क रहने की जरूरत है। उनकी धमनियों यानी कि आर्टरी में ब्लॉकेज हार्ट अटैक तक जा सकता है। कोरोना से जूझ रहे ऐसे मरीजों को बहुत तेज दर्द का अनुभव हो सकता है जिसकी वजह सूजन भी हो सकती है। कुछ मामलों में सांस लेना मुश्किल हो सकता है। कोरोना वायरस रोगियों में दिखने वाली ये आम समस्या है फेफड़ों का फाइब्रोसिस जिसे ऑक्सीजन सेचुरेशन प्रभावित करता है। और तीसरा सवाल है कोरोना से ठीक होने के बाद भी हार्ट प्रॉब्लम को पहचाने कैसे? तो इसका जवाब है कि कोरोना से रिकवर होने के दौरान कई लक्षण रिपोर्ट हुए हैं। ऐसा होने के कई कारण हो सकते हैं। कोरोना के बाद थकान एक आम लक्षण है जो किसी भी दूसरी बीमारी की तरह ही होते हैं। लोग सांस लेने में दिक्कत, सीने में दर्द, घबराहट भी महसूस कर सकते हैं। ये सभी समस्याएं हार्ट डिजीज से जुड़ी भी हो सकती हैं। लेकिन अगर आपको जब कोरोना हुआ उस वक्त आपको गंभीर लक्षण दिखाई दिए, आप अस्पताल में भर्ती हैं और उसके बाद आप घर आए हैं, तो आपको अपना ज्यादा ख्याल रखने की जरूरत है। दरअसल ये देखा गया है कि बहुत गंभीर बीमार होने के बाद के आफ्टर इफेक्ट्स, लंबे समय तक निष्क्रिय रहना और बिस्तर पर कई कई हफ्ते बिताना भी इसकी वजह हो सकता है। वैसे कोरोना मरीजों को कंपकपी, बेहोशी, सीने में दर्द और सांस लेने में दिक्कत होती है तो ये हार्ट डिजीज का इशारा हो सकता है। और अगर आप कोरोना से ठीक हो चुके हैं तो भी आपको ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है और डॉक्टर से संपर्क जरूरी है। और अगला सवाल ये है कि कोरोना के बाद अगर
हृदय संबंधी यानी कि हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है तो लक्षण किस तरह से दिखाई देंगे? देखिए, गंभीर लक्षण होने पर डॉक्टर से संपर्क करने की सलाह दी जाती है। खास तौर पर अगर आप कोरोना से ठीक हो चुके हैं और उसके बाद भी आपको सांस लेने में तकलीफ हो रही है। सांस लेने में कठिनाई हमेशा गंभीर लक्षण के तौर पर नहीं देखा जाता, लेकिन अगर आपका O2 लेवल 90% से कम है तो ये चिंता का विषय है। सीने में दर्द फेफड़ों की सूजन के कारण भी हो सकता है। सीने में उठा अचानक और तेज दर्द फेफड़ों में खून के थक्के यानी कि पल्मरी एम्बोलिज्म के कारण भी हो सकता है। कुछ स्टडीज में लोग कोविड से रिकवर होने के बाद डायबिटीज से डायग्नोज भी हो रहे हैं। दरअसल कोरोना हार्ट मसल को नुकसान पहुंचाता है, इससे हार्ट के काम करने की क्षमता प्रभावित होती है। ये इन्फेक्शन धमनियों और शिराओं की दीवारों को नुकसान पहुंचाता है, जिससे इसमें सूजन और खून के थक्के जम रहे हैं। ये शरीर के दूसरे हिस्सों में ब्लड सर्कुलेशन को प्रभावित करता है। तो फिर इस तरह की समस्याओं का किस तरीके से निदान होना चाहिए? क्या कोविड मरीजों पर खून को पतला करने की दवाई, जिसे हम आम भाषा में ब्लड थिनर कहते हैं, उसका इस्तेमाल हो रहा है? तो इसका जवाब है हाँ। दरअसल कोरोना के गंभीर केसेस में खून के थक्के जमने की समस्या देखने को मिली है। स्टेरॉइड्स और खून को पतला करने वाले ब्लड थिनर का इस्तेमाल इलाज के तौर पर हो रहा है। दरअसल स्टेरॉइड में सूजन कम करने के गुण होते हैं, वहीं ब्लड थिनर खून के थक्के जमने से रोकता है। समस्या के आधार पर इन दवाओं का इस्तेमाल हो रहा है। ये भी पाया गया है कि ब्लड थिनर के इस्तेमाल से कुछ मरीजों में रिकवरी ज्यादा बेहतर तरीके से हो रही है। हालांकि ये सलाह दी जाती है कि कोई अगर ब्लड थिनर का इस्तेमाल करता है तो वो वैक्सीन लगाते समय अपने डॉक्टर को इसकी जानकारी जरूर दे, क्योंकि बिना डॉक्टर की सलाह से आपको ये दवा नहीं खानी चाहिए, क्योंकि इसके साइड इफेक्ट भी बेहद गंभीर या फिर खतरनाक हो सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आप कोरोना से ठीक हो चुके हैं और उसके बावजूद भी ज्यादा थकान या फिर बिस्तर में कई हफ्तों तक पड़े हुए हैं, तो आपको अपने स्वास्थ्य पर अभी भी ध्यान देने की जरूरत है और डॉक्टर से आपको तुरंत संपर्क करना चाहिए। मंडे टू फ्राइडे मैं इसी तरह की वीडियो आप तक लाती रहूंगी। अगर आप भी किसी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं।